हाय एवरीवन, नमस्ते। दो मुहे बाल एक आम समस्या है जिससे बाल रूखे और डैमेज दिखते हैं। दरअसल बालों के सिरों या हेयर टिप्स को सही देखभाल न मिलने से बाल दो मुहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनसे आसानी से छुटकारा कैसे पाया जाए। बालों के सिरे को रिपेयर करने के लिए मैं एक आसान हेयर पैक बता रही हूँ, जिससे न सिर्फ स्प्लिट एंड्स कम होंगे बल्कि डैंड्रफ भी खत्म होगा। एक कप गाढ़ा दही लें। ध्यान रखिए, दही पतला नहीं होना चाहिए वरना उतना असर नहीं करेगा। इसके अलावा हम ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन सभी केमिस्ट के पास आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ एक साधारण सा ब्रांड लिया है। अब इस दही में एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। इन दोनों को अच्छी तरीके से फेंटें। इसे हम बालों के डैमेज्ड और दोमुहे सिरों पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। थोड़ा पानी स्प्रे करें। भीगे बालों में ये पैक बहुत आसानी से फैलेगा। इस हेयर पैक से सारे बालों को ठीक से कवर करें। ये पूरी तरीके से नेचुरल और सेफ है, इसलिए इसे स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। इसे 1 से 2 घंटा लगा रहने दें, फिर हमेशा की तरह शैम्पू और कंडीशन करें। इसे हफ्ते में एक बार लगाएं। ऐसा करने से बाल सॉफ्ट होंगे और बहुत हद तक डैमेज भी रिपेयर होगा। बालों में हर 4 महीने में एक बार ट्रिमिंग जरूर करवाएं। हेयर टिप्स अक्सर रूखे हो जाते हैं, इसलिए हल्की ट्रिमिंग करवाने से डैमेज और दो मुहे सिरे निकल जाते हैं। हम सिर का तेल मसाज तो करते हैं, पर क्या ये तेल बालों के सिरों तक पहुंच पाता है? हेयर टिप्स को पोषण न मिलने से दो मुहे बालों की समस्या होती है, इसलिए निचले हिस्सों पर भी अच्छी तरीके से तेल लगाएं। इससे सॉफ्ट और सिल्की रहेंगे। शैम्पू करने के बाद आपके गीले बाल सबसे कमजोर हालत में होते हैं। खास तौर पर भीगे बालों के सिरे बहुत नाजुक होते हैं और इनमें डैमेज आसानी से हो जाता है, इसलिए गीले बालों में कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा हेयर सीरम लेके भीगे बालों में लगाएं। हेयर सीरम लगाने से ये आसानी से सुलझ जाएंगे। अब बालों को सूखने दें। मेरे बाल लगभग 80% सूख चुके हैं। सुलझाने के लिए हमेशा ऐसे चौड़े ब्रिसल की कंघी यूज करें। पतली कंघी में बाल उलझकर दो मुहे होते हैं। हम अक्सर बालों को कंघी से यूं खींचते हैं, है ना? पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से न सिर्फ आपके बाल जड़ों से कमजोर होंगे बल्कि उनके सिरे भी दो मुहे होंगे। ऐसा न करें। सबसे पहले बालों को हिस्सों में बांटें। छोटे छोटे हिस्से किए जाने से बाल बहुत आसानी से सुलझेंगे। अब निचले हिस्से से कंघी करना शुरू करें। ऐसा करने से बालों की जड़ों पर जोर नहीं पड़ेगा और ना ही आपके बालों के सिरे डैमेज होंगे। हेयर टिप्स को सुलझाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। अगर आपके बाल बहुत रुके हैं तो हल्का सा हेयर सीरम लगाकर ही उन्हें सुलझाएं। सही तरह से कंघी करने से आप कुछ ही दिनों में अपने बालों में अंतर देखेंगे। आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेयर केयर पर और भी वीडियोस देखने के लिए साइड में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।